हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ICICI बैंक के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस बैंक का Q3 रिजल्ट क्या था और ब्रोकरेज किस पे क्या रहे और क्या इस शेयर हमें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं। अगर आपने रिजल्ट देखा हो तो कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आय में भी इजाफा हुआ, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कंपनी का अच्छा है। रिजल्ट अच्छा आने के बाद से आपने देखा होगा कि इस कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस शेयर पर बड़े बड़े ब्रोकर जैसे CLSA, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस, गोल्डमैन सैक्स, मैक्वारी और मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को बाय करने की सलाह दी है और जो इसका टारगेट है वो 900 प्लस कर दिया है। कई जैसे मोतीलाल ओसवाल इन सब ने इसका टारगेट जो है 930 कर दिया और कई जैसे जितने ब्रोकरेज फर्म हैं उन सब ने 900 प्लस कर रखा है इस बैंक का टारगेट। तो हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए क्योंकि इसका आने वाले समय में प्राइस बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।